हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप बायोलॉजी। ये वीडियो है पीएचडी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अरुणा आसफ अली मार्ग न्यू दिल्ली पे ये लोकेटेड है। इन्होंने एकेडमिक ईयर 2020 से 21 के लिए अपना पीएचडी प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या है, क्या लिखा हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है NII इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इट्स पीएचडी प्रोग्राम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है, और उन्होंने कौन कौन से एरिया में अपने वे निकाले हैं, इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस एंड क्रॉनिक डिजीज बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, केमिकल एंड स्ट्रक्चरल एंड कॉम्पिटेशनल बायोलॉजी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, MSc इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, MTech, MBBS, MVSc, MPharmacy, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज पर नॉर्म्स ऑफ द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब इसके लिए क्या चाहिए, 60% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड इन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री एंड सीनियर सेकेंडरी में कितने होने चाहिए, 60% एग्रीगेट, और 55% एग्रीगेट किस में होना चाहिए स्कोर, मास्टर डिग्री में फॉर जनरल कैटेगरी, और 5% रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST PWD को सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में। सी है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द करंटली एकेडमिक ईयर आर एलिजिबल टू अप्लाई, दे विल बी एडमिटेड provisionally pending satisfactory fulfillment of the eligibility requirement at the time of joining. जो reservation है seat का वो है 15% for SC, 7.5% for ST and 27% for OBC non-creamy layer and 3% for PWD candidates. अब selection procedure क्या होगा कि NII है जो National Institute of Immunology select करेगी candidates को for the PhD program थ्रू दैट फॉलोइंग टू चैनल। चैनल वन में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जो 23 फरवरी 2020 को जो है कंडक्ट होगा वो एग्जाम उसके थ्रू, और चैनल टू में क्या होगा जो जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी एंड इंटर डिसिप्लिनरी लाइफ साइंस JEE BIALS 2020। तो इसके लिए जो है चैनल टू के लिए ये क्या करेंगे, इस एग्जाम के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। द लिस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू शैल बी अवेलेबल ऑन द NII वेबसाइट बिफोर और ऑन 9 मार्च 2020, 9 मार्च 2020 तक जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू में उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब है इंटरव्यू कब होगा, 11 जून से 13 जून 2020 तक, और कैंडिडेट जो विल सिलेक्टेड विल बी एनरोल्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑफ NII इन एकेडमिक एफिलिएशन विद JNU न्यू दिल्ली। अब पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट कब होगा, 6 जुलाई 2020 से, एंड द अलॉटमेंट ऑफ लेबोरेटरी एंड थीसिस विल बी मेड बाई 13 जुलाई तक, लेबोरेटरी अलॉट किए जाएंगे और सुपरवाइजर अलॉट कर दिए जाएंगे। द इंस्टीट्यूट करेंटली प्रोवाइड जूनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफ ₹31,000 पर मंथ, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी फेलोशिप अवार्डी फ्रॉम CSIR, UGC, ICMR, DBT, DST में अवेल फॉर द फेलोशिप एज पर रूल governed by the respective funding agency. NII is a residential campus and here hostel accommodation will be provided to all the students admitted to the program.
तो हॉस्टल की फैसिलिटी इसमें हो गई। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू, ये वाली साइट है, इस पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो होगी 1000 होगी जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 500 होगी एससी एसटी पीवीडी के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या होगी, 20 दिसंबर 2019 टू 31 जनवरी 2020। और ये इनका हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन ईमेल है, ये हेल्पलाइन फ़ोन नंबर है। और नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ बर्थ जो है मैच करनी चाहिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट से। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट डिटेल्स फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर ट्रू एंड करेक्ट। अगर इफ एनी डिस्पेरेंसी इज ऑब्जर्व्ड एट एनी स्टेज एंड आई रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एडमिशन। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 20 दिसंबर से और क्लोजिंग डेट होगी 31 जनवरी 2020। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट क्या होगी, 7 फरवरी 2020। और एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, 23 फरवरी 2020। और इन्होंने स्पेशल लिखा है कि विमेन कैंडिडेट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। Thank you and have a nice day and best of luck for this exam.